हाय वेलकम टू आवर चैनल रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस में कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में हम स्टडी कर रहे हैं उसका रिजल्टेंट कॉन्करेंस फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन कैसे निकालेंगे आर और थीटा। तो उसके एग्जांपल्स हम अलग अलग एग्जांपल्स देख रहे हैं। लास्ट न्यूमेरिकल में हमने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किया था लास्ट पार्ट में, अभी इस पार्ट में ये भी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि सिर्फ स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट का आपको डायग्राम में कन्वर्ट करना है। अगर ये आप सही ढंग से कर पाए तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं, वरना नहीं। इसीलिए मैकेनिक्स को हार्ड बोला जाता है, तो हम इसको आसान करेंगे, है ना। फाइंड द रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, आर एंड थीटा निकालने आपको, इफ फॉलोइंग फोर्सेस एक्टिंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट। कोई एक पॉइंट है समझो, यहाँ पे समझो उसको हम फुटबॉल मानेंगे, एक फुटबॉल है, इस फुटबॉल से कुछ फोर्सेस एक्ट हो रहे, वो कैसे एक्ट हो रहे, अवे मतलब सब लोग फुटबॉल को खींचेंगे। कितने फोर्सेस है, चार फोर्सेस है, चार फोर्सेस के यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है। पहला फोर्स है 300 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है, फोर्स एक्टिंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अभी नॉर्थ ईस्ट आ गया मतलब आपको डायरेक्शंस शो करना पड़ेगा। अब किस साइड में नॉर्थ होता है, किस साइड में साउथ होता है, याद रखो आप, ऊपर के साइड में दिल्ली है नॉर्थ, नीचे के साइड में साउथ समझो चेन्नई है, इस साइड में मुंबई है वेस्ट, और उस साइड में है कोलकाता ईस्ट। तो ये आपको याद रखना है, इसमें भी आपने गड़बड़ कर दिया तो भी गलत होगा। अब पहला सिचुएशन है 300 न्यूटन फोर्स एक्टिंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अभी ये ईस्ट साइड है और ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री का फोर्स एक्ट हो रहा है और उसका मैग्नीट्यूड है 300 न्यूटन। नॉर्थ से एंगल बना रहा है ईस्ट के साइड में 30 डिग्री। ओके, तो यहीं पे इसको रिजॉल्व कर लेंगे हम, इसको एक पैरेलल लाइन बनाते हैं और इसको एक पैरेलल लाइन बनाते हैं टुवर्ड्स द फोर्स, दोनों के बीच में फोर्स आना चाहिए। तो अभी कॉस किसके साथ जाएगा, वर्टिकल के साथ एंगल है तो हम यहां लिखेंगे 300 न्यूटन का फोर्स इंटू कॉस 30, और यहां पे साइन आ जाएगा साइन 30 डिग्री। ये हो गया इसका रिजोल्यूशन। दूसरा कंडीशन क्या है, 115 न्यूटन फोर्स एक्टिंग 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के वेस्ट साइड में। ओके, मतलब ये सेंटर में आएगा। अब किधर से भी लो, अभी 45 डिग्री बोला है तो आप एंगल किधर से भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्थ के वेस्ट साइड से बोला है तो मैं इधर से ही लेता हूँ 45 डिग्री। नॉर्थ के वेस्ट साइड से 45 डिग्री, नॉर्थ के ईस्ट साइड से 30 डिग्री। मैग्नीट्यूड कितना है, 150 न्यूटन। ओके, इट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल, 150 न्यूटन फोर्स एक्टिंग 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के वेस्ट में 45 डिग्री है। तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, इसको एक पैरेलल लाइन बनाएंगे, उसको एक पैरेलल लाइन बनाएंगे, तो एंगल इसके साथ है। अब किसी के साथ भी हो यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, 45 पे है तो दोनों का वैल्यू सेम आता है, 150 cos 45, 150 sin 45, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है जब 45 डिग्री आती है। 200 न्यूटन फोर्स टूवर्ड्स वेस्ट, अब टूवर्ड्स वेस्ट मतलब इस साइड में एक फोर्स है, वो कितना है 200 न्यूटन। तो इसको कुछ रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका सिर्फ साइन लिख लेते हैं, माइनस, ये माइनस, ये प्लस, अप में जा रहा है, ये भी अप में जा रहा है तो प्लस, राइट में जा रहा है तो भी प्लस। ओके, फोर्थ केस क्या है, 400 न्यूटन फोर्स एक्टिंग 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ के वेस्ट में कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, कितना है उसका मैग्नीट्यूड, 400 न्यूटन। ओके, रिजॉल्व करते हैं इसको, एंगल वर्टिकल के साथ है तो यहां आएगा 400 cos 30, यहां आएगा 400 sin 30। ओके, तो ये होगा sin इसका माइनस, ये भी माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट है, दोनों माइनस हो गए। अभी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्टेटमेंट को डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करें,
एक्स और वाई एक्सिस पे ईस्ट वेस्ट के साथ उसको कैसे ठीक से यहाँ शो करेंगे। अगर ये सही है तो आगे का आपको आएगा, आगे आप कर सकते हैं आसानी से, बट इतना आना चाहिए। अभी क्या करेंगे, जब हमने इसको रिजॉल्व कर लिया तो क्या करते हैं, हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, एडिशन ऑफ ऑल द समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन देन अलोंग वाई डायरेक्शन। पहले देख लो कितने वर्टिकल फोर्सेस है और कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है। एक्स के लिए हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा हमें, हॉरिजॉन्टल कितने हैं, कितने यहाँ पे एक दिख रहा है मुझे, यहाँ पे दो, एक तीन और एक चार, चार फोर्सेस है। इन चारों को सम करते विथ देयर साइन कन्वेंशन, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहला ये ले रहा हूँ मैं, वन फिफ्टी माइनस, माइनस में है 150 साइन 45, दूसरा ये ले रहा हूँ मैं माइनस 400, आप शफल कर सकते हैं नंबरिंग को, ऐसा कुछ नहीं है, साइन 30, तीसरा ये है माइनस 200, राइट, और फोर्थ यहाँ प्लस में है 300 साइन 30, इनका समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, कैलसी में कर लेते हैं, थोड़ा रिस्क लेते हैं, एक साथ पुट करके देखते हैं, माइनस 150 साइन ब्रैकेट में 45 माइनस 400 साइन ब्रैकेट में 30 माइनस 200 माइनस सॉरी प्लस 300 साइन 30 ब्रैकेट क्लोज, वील गेट द वैल्यू इन माइनस 356.066 समथिंग न्यूटन। ओके, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वी आर गेटिंग माइनस 356.066 न्यूटन। देन वी हैव टू फाइंड आउट समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन देखते हैं, अभी यहाँ पे एक है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है, तीन ही फोर्स है, तो तीनों को ऐड करते समेशन करते विद देयर साइन कन्वेंशन। नाउ समेशन ऑफ y इज इक्वल टू, पहले मैंने इसको लिखा है, आप इसको भी लिख सकते हैं, 150 अभी प्लस में है, 150 cos 45, देन सेकेंड वन इज यह है वर्टिकल फोर्स, प्लस 300 cos 30, cos 30 थर्ड फोर्स यह है वर्टिकल, माइनस में है माइनस 400 cos 30, इनका समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई क्या आएगा विथ साइन, 150 cos 45 ब्रैकेट क्लोज प्लस 300 cos 30 ब्रैकेट क्लोज माइनस 400 cos 30 ब्रैकेट क्लोज, वी आर गेटिंग वैल्यू इन प्लस, दैट इज 19.46 न्यूटन। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई वी आर गेटिंग दैट इज 19.46 न्यूटन। एक्स मिला हमें, वाई मिला, तो हम आसानी से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स कितना है हमारा, यहाँ पे माइनस 356.066 का स्क्वायर प्लस 19.46 का स्क्वायर, क्या आएगा इसका आंसर, तो ये प्लस में हो जाएगा राइट, क्योंकि माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर है, ब्रैकेट में डालता हूँ मैं 356.066 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 19.46 ब्रैकेट का स्क्वायर, ये आएगा वैल्यू अंडर रूट में
127.16.688 समथिंग, इसको क्या करेंगे हम अंडर रूट आंसर कर देंगे, विल गेट रिजल्टेंट दैट इज 356.59 न्यूटन. दिस इज आवर आंसर, रिजल्टेंट 356.59 न्यूटन. ओके, इसके बाद हमें क्या करें करना है, इसका डायरेक्शन निकालना है. डायरेक्शन निकालते हैं इसका, कैसे निकालते हैं डायरेक्शन, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो टैन इनवर्स क्या है एफ ऑफ वाई, 19.46 अपॉन एफ ऑफ एक्स इज माइनस 356.066. बट क्या करना है हमें, माइनस साइन नहीं लेना है. जब भी हम थीटा निकालेंगे टैन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस साइन अवॉइड करेंगे, बिकॉज वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी थीटा का, हम थीटा का माइनस में नहीं लेते एंगल. ओके, तो इसको रिजॉल्व करते हैं, कितना आएगा टैन इनवर्स, ये कितना आएगा 19.46 अपॉन 356.00066 समथिंग 0.0546. इसको हम टैन इनवर्स शिफ्ट टैन करते तो टैन इनवर्स में आ जाएगा आंसर, वी आर गेटिंग थीटा इज इक्वल टू 3.128, मतलब इसको 3.13 डिग्री कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 3.13 डिग्री. वी गॉट नाउ रिजल्टेंट एंड इट्स डायरेक्शन, इसका पोजिशन हमें शो करना है डायग्राम में. अगर आपने ये पोजिशन ठीक से शो किया तो एग्जामिनर सिर्फ यही देखेंगे कि आपने आपका आंसर सही है या गलत है. ओके, तो ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है, राइट में प्लस लेफ्ट में माइनस, अप में प्लस डाउन में माइनस. तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, प्लस है कि माइनस है, माइनस है. तो यहाँ एफ ऑफ एक्स आएगा, एफ ऑफ वाई प्लस में है, एफ ऑफ वाई प्लस में, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई प्लस में है. तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकेंड क्वाड्रेंट. जब इस फुटबॉल को इतने सारे लोग खींच रहे हैं तो फुटबॉल किस तरह जाएगा, इस तरह तो नहीं जाएगा क्योंकि इसमें कोई फोर्स है नहीं. तो ये तीन क्वाड्रेंट में जा सकता था, अब वो हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वो कहाँ जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में उसका रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 356.59, और उसका एंगल कितना आ रहा है एक्स एक्सिस के साथ, बहुत कम है, थीटा इज इक्वल टू 3.13 डिग्री, और रिजल्टेंट है 356.59 न्यूटन. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. ओके, तो हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप्स लिए न्यूमेरिकल्स के जो कि बोर्ड ने पूछा था. तो इंपॉर्टेंट था ये, ठीक से देखो, प्रैक्टिस करो, आसान हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू.